हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑल ऑफ यू एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर क्लास ट्वेंटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी हाँ तो यहाँ पर बेटा जूनियर अकाउंटेंट के एक और नए सेशन को हम लोग लेके आए और यहाँ पर हम लोग अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है उससे पहले जो भी लोग कनेक्ट कर गए हैं फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग सबको नमस्कार बेटा स्टार्ट करेंगे सेशन को हाँ जी सबको गुड इवनिंग सबको नमस्कार बेटा लाइक like कर दो फटाफट से और शेयर कर दो फटाफट से शेयर कर दो बेटा ठीक है तो यहां पर हम लोग जो है आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे अभी तो उससे पहले एक चीज मैं जानना चाहूंगा किसी को कोई समस्या आ रही है बेटा कंप्यूटर में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है आप बता सकते हैं और बिल्कुल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा बेटा बिल्कुल गुड इवनिंग सबको नमस्कार बेटा हाँ तो बताओगे तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन होगा और नहीं बताओगे तो बेटा सॉल्यूशन नहीं होगा वो आपका डाउट जो है वो डाउट ही रह जाएगा ठीक है क्लियर कर लो बेटा उसको चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन हाँ जय हिंद जय हिंद चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं कल पंद्रह घंटे का सेशन होने वाला है तो उसमें कंप्यूटर की भी क्लास रहेगी ठीक है और उसको भी आपको ज्वाइन करना है शाम को लगभग चार बजे के समथिंग मैं उसमें क्लास लूंगा ठीक है और बाकी सब्जेक्ट हैं वो तो आपके रहेंगे मैं कल इसी टाइम आपको दोबारा मिल जाऊंगा उसमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर विच ट्रैक्स द एक्टिविटी ऑफ द यूजर विदाउट हिज नॉलेज इज कॉल्ड वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोगता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है बताइए क्या कहलाता है बताइए यहां पर हाँ वेरी गुड इवनिंग बेटा तो कौन सा है वो देखिए इसमें अलग अलग चीजें हैं स्पेवेयर स्पेवेर अरे ऑप्शन लिख दो ना भाई पूरा क्यों हिंदी में इतना मेहनत कर रहे हो हाँ ऑप्शन लिखो ना बी करेक्ट आंसर है बी आएगा हाँ बी आंसर यहां पर बी आएगा बेटा देखिए बी कैसे है इसमें बी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर देखिए स्पाई अरे स्पाई का मतलब क्या होता है जासूस होता है बेटा तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी अनुमति के बिना आपके ऊपर निगरानी रखते हैं सारी चीजों का ध्यान रखते हैं ठीक है जो आपकी पूरी की पूरी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं वो जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं है, स्पाईवेयर अब यहां पर देखिए वायरस है और वायरस तो बहुत प्रकार के होते हैं जैसे आपके कंप्यूटर को धीरे करने के लिए वायरस होता है जो धीरे करता है स्लो कर देता है प्रोसेसिंग स्पीड को बूट सेक्टर वायरस होता है वो बूटिंग की प्रक्रिया को इफेक्ट करता है डिस्क को भरने के लिए भी अलग प्रकार के वायरस है फाइल को फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट जो है उसका उसको कन्वर्ट कर देता है बहुत सारे ऐसे वायरस है जो अलग अलग काम करते हैं ये भी एक प्रकार का स्पाइवेयर वायरस है पर यह एक कैटेगरी होगी आपकी ठीक है यहां पर मेलवेयर मेलवेर भी एक प्रकार से वायरस का ही दूसरा प्रकार हो गया है ठीक है वे, एक प्रकार से क्या होता है जैसे आ, मैं आपको कहूं कि इंटरनेट के माध्यम से जो आपके पास फाइल्स वगैरह होती है मेलवेयर जैसे एक 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 आपने सुना होगा फायरवॉल वॉल मेलवेयर किसी भी प्रकार के एक प्रकार से अटैक को आप मेलवेयर के अंदर कंसीडर कर सकते हो वॉरम जो होता है वॉरम वॉरम देखिए वैसे तो वॉरम जो है ये भी एक प्रकार के वायरस का ही प्रकार ये अलग अलग रूप है अलग अलग टर्म के अंदर है अगला देखिए इसमें दूसरा क्या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स मतलब अरे ये क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया क्या अच्छा हाँ हिंदी में भी है तो अब हिंदी में पढ़ लो फिर मैं इंग्लिश में दिखा दूंगा आपको देखिए ये कह रहा है कौन सा कथन गलत है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे बुनियादी कार्य करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार या इंटरेक्शन की स्थापना को इंटरफेस कहा जाता है ठीक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार इंटरेक्शन की स्थापना को अरे ये लि... रिपीट कर दिया क्या ये दोनों रिपीट हो गए इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में रिपीट है। चलो कोई बात नहीं बताओ बेटा कौन सा आएगा इसमें कौन सा गलत है कोई गलत है क्या इसमें कोई गलत नहीं है सारी बातें सही डी आएगा इसमें अगला देखो क्या डी आएगा इसमें अगला देखो क्या विच ऑफ द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है Solaris है, यूनिक्स है विंडोज है और लिनक्स है बिल्कुल देखिए विंडोज जो है विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया 1985, 1985 में और इसका जो फर्स्ट वर्जन था ये था बेटा विंडोज 1.0, 1.0। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है नवीनतम जो वर्जन है लेटेस्ट जो वर्जन है ये है बेटा विंडोज, ये है विंडोज कौन सा विंडोज 11, ध्यान रखिएगा अभी लेटेस्ट चल रहा है विंडोज 11, और ये बेटा 2021 में आया था और उन्नीस के अंदर जो पहला वर्जन था वो विंडोज 1.0 था फिर 2.0 आया 3.0 आया विंडो एन आया एम आया सीई आया ना विंडोज एक्सपी आया विंडोज विस्टा आया विंडोज 95, 98, एट विंडोज अलग अलग इसके वर्जन आए थे तो ये थोड़ा सा फर्स्ट और लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया ठीक है ये भी ध्यान रख लेना जैसे विंडो 10 का पूछ लिया था कि विंडो 10 कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था तो ये 2015 में आया था और विंडो जो 11 है ना बेटा वो आपका 2021 के अंदर आया वो वर्ष 2021 के अंदर क्या है मार्केट के अंदर आया था। इसमें बताइए कि जीओ का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होता है जनरल यूजर इंटरफेस जियोग्राफिकल इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर गुड यूजर इंटरफेस बताइए क्या है अब यहां पर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल मतलब क्या है बेटा जैसे आप इसमें देखें कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर जो डेटा होता है वो आकृतियों के रूप में आइकन के रूप में पिक्चर के रूप में डिस्प्ले किया जैसे आज देखिए ये आपका जो है इसके अंदर ये नीचे छोटे छोटे आइकन है तो इस प्रकार जो होता है जिसके अंदर माउस का यूज होता है है ना ग्राफिकली चित्र दर्शाए जाते हैं उसको जियोआई बोलते हैं तो जियोआई बेस्ड पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो कौन सा था यहां, विंडो द्वारा जो जीवाई युक्त तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा वो था विंडोज अगला देखिए द वैन द कंप्यूटर इज ऑन द बुटिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है इंटीग्रिटी टेस्टिंग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जब अपन कंप्यूटर चालू करते हैं ना उस समय करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट रिलायबिलिटी टेस्ट या शटडाउन बताइए क्या करता है सभी का आंसर बी है दिनेश प्रशांत रश्मि कविता विकास शुभम गार्गी शंकर और ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही है देखो बेटा ये क्या करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको कहा जाता है पोस्ट इसको क्या कहा जाता है पोस्ट देखिए पोस्ट से कैसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर चालू होने पर कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सभी को ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम आपका बचा हुआ है, करा देंगे बेटा और बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम अलग से क्लास ले लें वैसे आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा है तो विंडो बेटा मैंने करवा दिया था अगर आपने क्लास ली हो तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ा दिया था पर फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है दोबारा करा देंगे कोई दिक्कत नहीं हाँ अब ये जो यहां पर होती है बेटा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर क्या होता है ऑल हार्डवेयर अरे जितने भी हार्डवेयर होते हैं ना उनको क्या किया जाता है चेक किया जाता है जैसे कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं है माउस है कि नहीं है और अगर कोई डिवाइस है उनको चेक किया जाता है ठीक है दूसरी चीज इसमें क्या होती है बूटिंग जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है लोड होता है बेटा ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है किसमें बूटिंग में और जो बूटिंग की प्रक्रिया है ये बेटा दो प्रकार की होती है ये दो प्रकार की होती है अरे दो प्रकार की कौन कौन सी होती है एक होती है कोल्ड बूटिंग एक होती है कोल्ड बूटिंग ठीक है और एक होती है वॉरम बूटिंग अरे कौन सी बूटिंग वॉरम बूटिंग तो दो प्रकार की बूटिंग है कोल्ड बूटिंग उसको बोलते हैं जब हम लोग बंद कंप्यूटर को चालू करते हैं ठीक है बंद पड़ा था कंप्यूटर हमने उसको चालू किया तो जब आप बंद कंप्यूटर को चालू करते हो तो वो होता है आपकी एक प्रकार से कोल्ड बोटिंग और जब चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हो रिस्टार्ट करते हो उससे होती है ठीक है हाँ अगला देखो मैक ओएस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय मैक ओ एस जो है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है बताइए बताइए यहां पर क्या आएगा ओएस देखिए मैक ओएस की अगर मैं बात करूं तो मैक ओएस एप्पल बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर यहां पर एप्पल आएगा देखिए एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप आते हैं पीसी आते हैं कंप्यूटर आते हैं उनमें मैक ओएस होता है और मैक ओएस जो होता है ना मैक ओएस ये मैक की फुल फॉर्म होती है बेटा मैक मैकintosh इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैकintosh तो एक तरीके इसको इसको जो है मैक बोल दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कह देते हैं मैक तो मैक ओएस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और ये किसने बनाया ये एप्पल ने जैसे देखिए यहां पर अगर मैक के कंप्यूटर में तो आता है ये वाला ठीक है मैक के कंप्यूटर और अगर मैं अगर सॉरी एप्पल कंपनी के कंप्यूटर में ये आता है मोबाइल में आता है आईओएस आईओएस ठीक है हाँ अगला देखो क्या है अ हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड फर्स्ट इनटू अ फॉर्म दैट द मशीन कैन अंडरस्टैंड दिस इज डन यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड द एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती है यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है यानी कि यहाँ पर कंट्रोलर है डीबगर uh, है कंपाइलर है या फिर असेंबलर बताइए देखिए यहां पर मेरे दो ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन सही है आप मुझे ये बताओ कौन सा वाला सही है आपके हिसाब से कौन सा देखिए ज्यादातर लोग सी कह रहे हैं और गार्गी का डी है ठीक है अब सुनो बेटा यहां पर क्या आएगा ठीक है हाँ हाँ ठीक है एक बार आंसर दे दिया करो बस ठीक है देखो बेटा हाई लेवल जब भी पूछेगा ना बेटा हाई लेवल तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जो बदलता है वो कौन बदलता है वो आएगा कंपाइलर इनको एक प्रकार से बोला जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर ठीक है यहां पर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेटा तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है आपका असेंबलर uh, uh, एक होता है इंटरप्रेटर एक होता है कंपाइलर असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबलर और आपका कंपाइलर दो दे रखा है इंटरप्रेटर नहीं है अब सुनो कंट्रोलर तो कंट्रोल करने का काम करता है डी बगर जो होता है ना ये क्या होता है आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी एरर्स होती हैं जो भी आपके प्रोग्राम के अंदर लिखते समय त्रुटियां हो जाती हैं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम डी का यूज करते हैं असेंबलर जो होता है सुनिए ये असेंबलर क्या करता है ये असेंबली भाषा असेंबली भाषा को किसमें लो लेवल लैंग्वेज देखो ये क्या लिखा है यहां पर असेंबली भारत को मशीन समझ सके मतलब मशीनी भाषा में बदलता है देखो असेंबलर जो है वो भी आपका मशीनी भाषा में बदलता है सुन लो मशीन इज कॉल्ड मशीन समझ सकती है उस भाषा को कहते हैं मशीनी भाषा तो अब असेंबलर भी यही काम करता है और कंपाइलर भी कंपाइलर भी मशीनी भाषा में बदलता है तो फिर इनमें से उत्तर क्या होगा देखिए यहां पर उत्तर मेरा कंपाइलर इसलिए भी है क्योंकि असेंबलर किसको बदलता है असेंबली भाषा को और असेंबली भाषा जो है ये खुद ही आपकी कैसी होती है लो लेवल लैंग्वेज जबकि आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना है तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है असेंबली और मशीनी दो ऐसी भाषाएं होती हैं जिनको लो लेवल कहा जाता है बाकी सभी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है तो यहां पर मेरा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा कौन सा सी अरे डाउट क्लियर हुआ चीजें समझ में आई कि नहीं आई हां अगला देखो द फॉर्म ऑफ डी इज़ डी की क्या होती है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग बताइए डीटीपी के सी और बी आंसर है हाँ ठीक है देखो सबका बी आंसर है और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है सी जिसका भी है वो गलत है ये डी जो होता है ना बेटा इसको कहते हैं डेस्क टॉप पब्लिशिंग क्या बोलते हैं डेस्क टॉप ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा बी आएगा डेस्क टॉप पब्लिशिंग हाँ जी अगला देखिए एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है सेम डेटा को बहुत सारी जगह पर जब आप सेव करते हो ना उसको क्या बोलते हैं क्या उसको कंकरेंसी बोलते हैं है, या रिडेंडेंसी बोलते हैं या इल्यूमरेशन बोलते हैं इनमें से कौन? हो सकता है कि ये चारों नहीं ये हो अगर चारों नहीं कहते हो तो फिर आप डी e कह सकते हो अच्छा डी और सी दिनेश का डी है कविता का डी है कोमल का डी है ज्यादातर लोगों का डी आ रहा है ना अच्छा ए भी है इंट्रैक्शन रश्मि का डी है शुभम का ए है और बताओ बेटा दिनेश का सी है और बताओ ए सी और डी ये तीन शुभम का भी ऊपर सी आया हुआ है अच्छा बाद में शुभम ने बदल दिया ए पे आ गया है देखो यहां पर जो बेटा आंसर आएगा ना सुनो बेटा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आएगा सी आएगा यहां पर जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं बेटा रिडेंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन डेटा की रिडेंडेंसी होना मतलब डेटा एक ही डेटा एक से ज्यादा बार अगर उपस्थित है एक से ज्यादा बार अगर अवेलेबल है तो उसको रिट बोलते हैं। भी डेटा की हैंसी को कम करना मतलब उसकी को कम करना, उसको बोलते हैं रिडेंडेंसी आएगा ये थोड़ा सा शब्द आपके लिए इंग्लिश का शब्द है नया हो सकता है पर आंसर यहां पर ही यह आएगा अगला देखिए मुफ्त अच्छा एक बार अगला और देख लो इंट्रैक्शन अरे भाई इंट्रैक्ट करना किसी के साथ इन्वॉल्व होना कंकरेंसी इल्यूम ये अलग वर्ड आगे बेटा मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं और उसके अंदर कोई भी कॉपीराइट वगैरह का भी चक्कर नहीं होता है कौन सा आएगा बेटा बताइए बताइए भाई आप उनको फ्री में यूज कर सकते हो पर अपने नाम से नहीं बेच पाओगे क्योंकि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं कॉपीराइट किसी और के पास होता है अगला फ्री में दे रहा है तो आप उसको फ्री में यूज करो सिंपल चीज है फ्री टू यूज देखिए बिल्कुल सही है देखिए यहां पर एक शेयर वेयर है ना बेटा ये भी फ्री में होता है मैं आपको बता दूं ये भी आपको फ्री में मिलता है ठीक है ये अलग चीज होगी ग्रुप वेयर ईमेल अलग है है ना उनके विषय में नहीं कह सकते फ्री है नहीं देखो पहला और दूसरा दोनों में से एक आंसर आएगा ए जो शेयर वेरा वो भी फ्री में उपलब्ध है ये भी फ्री में उपलब्ध है कोई बता सकता है दोनों में अंतर क्या है भाई आप भी कह रहे हो चलो ठीक है मान ली बात बी सही है पर ए क्यों नहीं है ये कौन जवाब देगा मुझे या ए सही है तो बी क्यों नहीं है भाई ये कारण क्या है भाई ये इसका फ्री तो है देखिए दिनेश ए कह रहे हैं और दिनेश नागर भी ए कह रहा है यहां पर ऑप्शन नहीं नहीं कॉपीराइट का तो बेटा सब में ही होता है कॉपीराइट का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है वो मैंने फ्री में उपलब्ध करवा दिया अब कल को आप कह दो कि मैंने फ्री में दे दिया आप कह दो कि नहीं, नहीं ये तो मेरा है ये तो मेरा है मैं तो पैसे लूंगा आप बेचने लग जाओ उसको जबकि प्रोडक्ट मेरा तो कॉपीराइट तो आजकल जनरली क्या है सारी कंपनियां बनाई देती हैं ताकि एक प्रकार से ये कह सके कि हाँ भाई ये ऑनर कौन है बेसिकली इसको बनाया किसने ठीक है अब यहाँ पर क्या है हाँ ये सही बात लिखी है ये सही बात लिखी है सुभाष यादव ने बिल्कुल सही बात है भाई शेयर जो होता है ना मतलब में आपने डाउनलोड किया फ्री फ्री कितने दिन के लिए पंद्रह दिन के लिए उसके बाद में क्या होगा इसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ये आपको पेमेंट जो है वो मांगेगा तो आप यहां पर यह कह सकते हो फ्री है पर कुछ लिमिटेड समय के लिए डेमो के लिए जैसे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में कहीं जाते हो ना बोले तीन दिन फ्री डेम अच्छा तीन दिन के बाद में क्या होगा पैसा मांगेगा तो वो सॉफ्टवेयर वो प्रक्रिया जो है वो शेयर वेयर है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा फ्रीवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं आप यूज करो कभी कोई भुगतान करने की जरूरत नहीं है जैसे मोबाइल में देखो आप एम एक्स प्ले डाउनलोड करते हो फेसबुक करते हो इंस्टाग्राम करते हो ये सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो कभी आपसे कोई पैसा नहीं व्हाट्सएप कभी कोई पैसा नहीं मांगा जाता आपसे बस आप उसको यूज करो कंपनी कहती है भाई तुम यूज करो पर हाँ। शेयर वेयर एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री फिर पैसा अगला देखिए इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन भारत में इंटरनेट की जो स्टार्ट हुआ था इंटरनेट जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था 8 अगस्त उन्नीस 15 अगस्त उन्नीस 11 अगस्त उन्नीस या फिर 9 अगस्त उन्नीस ठीक है बिल्कुल सही है देखिए भारत में इंटरनेट की जो सर्विस है ना बेटा 15 अगस्त उन्नीस को स्टार्ट हुई थी और ये जो सर्विस दी थी वो वी एस एन एल नाम की एक संस्था थी जिसने पूरे भारत में इंटरनेट सर्विस देने का काम किया था सरकारी संस्था थी जिसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड ये हमारा जो एक प्रकार से वो है ना यार क्या बोलते हैं उसको बी एस एन बी भारत संचार निगम लिमिटेड और ये है यहाँ पर विदेश संचार निगम लिमिटेड है हा ना हाँ और यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल कल एक तरीके से कल पंद्रह अगस्त है ना तो कल के दिन इंटरनेट को भारत में आए हुए अट्ठाईस साल हो जाएंगे क्योंकि 2023 चल रहा है ना 28 साल हो जाएंगे कल 28 साल पूरे हो जाएंगे हमारे देश में इसको इंटरनेट को चालू हुए और 2025 के अंदर आज से ठीक दो साल बाद में 2024 2025 25 के अंदर जो है कुल मिला के 30 साल हो जाएंगे अब यहां पर इसको जो है VSNL एक तरीके से VSNL को ISP भी कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर याद है क्या हाँ। और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी थी जिसने इंटरनेट उपलब्ध करवाया था उसका नाम था सत्यम इन्फोवे अगला देखिए यहां पर क्या ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आ, बिल्कुल सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है बेटा। बिल्कुल सही। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल बिल्कुल राहुल आपका भी नाम लेंगे बेटा बिल्कुल लेंगे ठीक है तो टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल मतलब होता है पूर्ण पूर्ण आंतरिक अपवर्तन या परावर्तन भी एक तरीके से इसको कहते हैं एक मिनट एक मिनट रिफ्लेक्शन नहीं 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 भाई ये गलत हो गया हाँ मैं सोचू वही बात है चक्कर क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आएगा डी आएगा इसमें डी आएगा सॉरी 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 डी मैंने क्या टोटल रिफ्लेक्शन इसको पढ़ लिया था हाँ रिफ्लेक्शन जबकि अलग दिया ये ये रिफ्लेक्शन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये आएगा इसमें बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नहीं नहीं सही दिया है अच्छी बात है सही दिया ए नहीं है डी है अपने अगला देखो इसमें क्या व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू वायरलेस नेटवर्क ठीक है वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में कौन सी ऐसी बात है जो सही नहीं है वायरलेस मींस विदाउट वायर मीडिया दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव और दूसरा दे आर मोर सिक्योर एंड कंपेयर टू वायर नेटवर्क स्लो ट्रांसमिशन स्पीड व्हेन कंपेयर टू वायर नेटवर्क बताए गलत बात कौन सी है इसमें अभी कह नहीं सकते बेटा आइए का अभी एक आधी न्यूज और आ जाए फिर कंफर्म करेंगे बेटा बताइए देखो स्पीड स्लो होती है इसका मतलब डी सही है बी कह रहे हो डी सही है क्या ये बताओ मेरे को डी 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 नहीं लग रहा क्या आपको अब डी लग रहा है गार्गी को डी लग रहा है अच्छा एसके वी को डी लग रहा है बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर बी आएगा बेटा बी आएगा बी देखो बी किस लिए है यहां पर ये कह रहा है कि द मोर आर सिक्योर एंड हैंस रिलायबल वेन कंपेयर टू देखो सिक्योरिटी इसकी ये कह रहा है कि जो वायरलेस होता है ना उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है बजाय वायर के जबकि ये गलत बात है वायर्ड नेटवर्क होता है ना बेटा तार के माध्यम से अगर कोई डेटा आपका ट्रेवल कर रहा है अगर आपका डेटा जा रहा है वो ज्यादा सेफ होता है वो ज्यादा क्या होता है सेफ होता है बजाय आपका वायरलेस के हाँ बिल्कुल सुभाष का सही है भाई सुभाष का नाम जरूर लेते हैं सुभाष यादव का बिल्कुल सही है ठीक है हाँ तो अच्छा 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 इंग्लिश नहीं आता है तो बोल देते हिंदी में भी है भाई बड़ा क्वेश्चन है ना एक स्लाइड पे कर देते तो छोटा छोटा दिखता तो समझ में नहीं आता हाँ बोल दिया करो थोड़ा हिंदी है ना अगला देखो विच ऑफ देक्टली डिफाइन फायर वोल फायर वोल इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो फायर वोल को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इट इज अ हार्डवेयर चलो मैं हिंदी में कर दू क्या हिंदी में कर देता हूँ हार्डवेयर डिवाइस है यह है एक सॉफ्टवेयर का नाम है यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है यह किसी भी और प्रत्येक नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित डिवाइसों का एक संयोजन है बताइए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है बताइए। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ज्यादातर लोग और सी बिल्कुल करेक्ट है शंकर और सुभाष दो लोगों ने दबा के सी लिखा है राहुल का भी सही है हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है बताओ क्योंकि देखो पहली बात ये जो फायर वो ना ये फायर फायरवॉल एक प्रकार से किसी भी नेटवर्क के अंदर आने जाने वाला जो डेटा होता है ना उसको यह क्या करता है फिल्टर करता है ठीक है उसको क्या करता है डेटा का ट्रांसमिशन करना है नहीं रोकना है वायरस है तो रोक लो नहीं है तो जाने दो वो वाली चीज दूसरा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है ठीक है अगला देखो टू फाइल्स कैन नॉट बी इन द सेम फोल्डर इन विंडोज बेस्ड कंप्यूटर इफ कुछ दो फाइलें दो फाइलें एक ही नाम से अगर हैं वो एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि 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 बताइए दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती हैं यदि क्यों यदि उनमें नाम में अंतर हो लेकिन तारीख सही हो तो यदि उनके नाम में अंतर हो लेकिन समान फाइल हो यदि उनके नाम में कोई अंतर नहीं हो फाइल में भी समान हो उनमें समान नाम हो लेकिन फाइल में समान न हो कौन सा आएगा बताइए बेटा बताइए डी ठीक है देखो बेटा ऑप्शन नंबर यहां पर अगर मैं बताऊं ना जैसे देखो बेटा ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा सुनो जैसे एक पीडीएफ फाइल है पीडीएफ का नाम आपने रखा जैसे कंप्यूटर फाइल है तो दूसरी पीडीएफ फाइल का यही नाम नहीं हो सकता है अगर मान लीजिए कोई अलग फाइल डॉक्यूमेंट फाइल है हाँ उसका नाम आप कंप्यूटर रख दो कोई दिक्कत नहीं है डॉट मतलब एक ही फाइल प्रकार की एक ही नाम से दो फाइल एक फोल्डर में नहीं हो सकती समझे ये कह रहा है कि उनके नाम में कोई अंतर नहीं हो मतलब उनका नाम कैसा हो समान हो और फाइल में भी समान हो और एक ही फाइल फॉर्मेट हो तो भैया उनका सेम नाम नहीं हो सकता इसका मतलब ये है में उनका नाम जो है वो सेम नहीं हो सकता आपको नाम अलग अलग करना पड़ेगा अच्छा नाम सेम हो सकता है कब जब दोनों का फाइल जो है वो क्या हो अलग अलग हो फाइल का जो टाइप है वो क्या हो अलग अलग हो तब उनका जो नाम है वो सेम हो सकता है ठीक है अब ये कह रहा है एक फाइल फोर में नहीं हो सकता कब नहीं हो सकता जब ये चीज होगी तब नहीं हो सकता इसलिए ऑप्शन नंबर पर सी आएगा। ठीक है, अगला देखो क्या इफ यू वॉन्ट टू टेम्परली एग्जिट द स्क्रीन विदाउट क्लोजिंग विंडो पर क्लिक करेंगे यदि आप विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप किसको क्लिक करें क्या आप मिनिमाइज बटन को करेंगे या फिर आप स्क्रोल बटन को करेंगे या मैक्सिमाइज बटन को करेंगे या फिर स्टेटस बार को मतलब वो सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा आप उससे बाहर निकल जाओगे एक प्रकार से बताओ छोटा सा क्वेश्चन है हाँ मिनिमाइज आएगा मिनिमाइज मिनिमाइज करने से ये नीचे चला जाता है स्क्रीन पे दिखता नहीं है इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है वो छोटे रूप में चला गया है स्क्रीन आप उससे बाहर आ गए हो पर वो अभी भी चल रहा है कभी भी आप उसको ओपन कर सकते हो जैसे कई बार मैं फ्रीक्वेंटली जैसे अभी मान लीजिए मैं इसको बात करूं यहाँ पर मैं इससे बाहर आ गया तो वो मैंने बंद थोड़ी कर दिया वो अभी भी चल रहा है वो कहां पर चल रहा है ये नीचे रहा नीचे की तरफ तो ये मैक्सिमाइज हो गया एक प्रकार से हाँ टास्क बार में बिल्कुल सही है टास्क बार में चला जाता है अगला देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है देखिए एक होता है प्रिंट का कंट्रोल प्लस में पी ध्यान रखिएगा प्रिंट का जो शॉर्टकट होता है ये शॉर्टकट कौन सा होता है ये होता है कंट्रोल और प्लस में पी आपको ये पूछा है प्रिंट प्रीव्यू का प्रिंट प्रीव्यू का इसका शॉर्टकट क्या होगा कंट्रोल प्लस एफ आ, फोर कंट्रोल प्लस एफ टू या फिर कंट्रोल अल्ट एफ थ्री या कंट्रोल के साथ में एफ ट्वेल्व बिल्कुल जय श्री राम बेटा दो आंसर दो आंसर दो नहीं एफ थ्री वगैरह का कोई चक्कर नहीं है ना 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 गलत आंसर है सी अगर आपका है तो गलत आंसर है सी गलत है सी नहीं है सी नहीं है यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा बी होगा देखो सबने बता दिया बी सुभाष ने अब बताया इतनी देर तो किसी का आंसर नहीं आया अभी रश्मि का भी बी आ गया है यहां पर आएगा बेटा कंट्रोल कंट्रोल और प्लस में F2। ये मेरा आंसर ठीक है अगला देखो अगला देखो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वन मस्ट प्रेस द शॉर्टकट की ठीक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को खत्म करना है बताइए क्या आएगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को आपको बंद करना है या उसको हटाना है तो आप किसका यूज करेंगे क्या आप कंट्रोल प्लस में वाई नहीं भाई ये तो रीडू अंडू वगैरह का काम आ गया यहां पर वाई तो रीडू हो गया अच्छा कंट्रोल प्लस में एम ये तो आपका इंटरेंड का होता है जे जस्टिफाई क्यू आ जाएगा इसमें हाँ भाई देखो ये किसका होता है ये रीडू का होता है क्या अच्छा एम किसका होता है ये इंटेंट का होता है इंक्रीज इंटेंट का जे किसका होता है ये जस्टिफाई का होता है टैक्स को जस्टिफाई अच्छा तो ऑप्शन नंबर के बचा है यहां पर क्यों आ जाएगा भाई अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो ना बेटा थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो हल्के फुलके भी अगर आपको यहां पर अगर पता है ना कि किसका शॉर्टकट क्या होता है बहुत इजीली कर सकते हो आप इसको अगला देखिए बेटा क्या है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल अ की इज प्रेसड टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन अ सीक्वेंस ये कह रहा है एमएस एक्सेल के अंदर जो है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए यहां पर आप किसका उपयोग करेंगे बताइए बताइए शिफ्ट है अच्छा अगर मान लीजिए मैं ये कहूं ये टेबल है है ना दोनों चीजें बता देता हूं मैं अगर आपको अगले सेल में जाना है मान लीजिए आप किसी भी बॉक्स में हैं ठीक है आप यहां पर हैं आप अगले में जाना चाहते किस को दबाओगे शिफ्ट को एंटर को टैब को टैब बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया सबका आंसर टैब आ रहा है हाँ टैब सही है तो यहां पर टैब आएगा बेटा और अगर मैं आपसे ये कहूं पिछले सेल में जाना है इसमें जाना है तो अब आप किसका यूज करोगे अब आप किसका यूज करोगे देखो यहां पर यहां पर जो है एक प्रकार से जो है ऑप्शन जो आएगा मेरा वो आएगा शिफ्ट प्लस में टैब ध्यान रखिएगा शिफ्ट प्लस में टैब होता है प्रीवियस पिछले पे जाने के लिए प्रीवियस सेल पिछले सेल पर जाने के लिए ठीक है और यह हमारा होता है अगले सेल पर जाने के लिए टैब से अगले पे जाएगा और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो पिछले सेल पे जाएगा बेटा ठीक है बताइए अगला देखिए इसमें क्या the first paragraph of the sample document has double line spacing what is the keyboard shortcut to use to create double line spacing in an ms word dekhiye ye keh raha hai beta double line spacing ke liye theek hai ye kya keh raha hai double line spacing ke liye aapko kis shortcut ka upyog karenge ye pucha hai paragraph में आपको अगर double line spacing करना है, option number देखिए yahan पर alt plus में d है। कंट्रोल प्लस में डी है और कंट्रोल प्लस में टू है और अल्ट प्लस में टू है बताइए क्या आएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है यहां पर बेटा ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा अरे ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा सी आएगा कंट्रोल के साथ में टू यह आएगा सी आएगा सी देखो अगर कंट्रोल के साथ में दबाते हो वन तो इससे बेटा सिंगल लाइन स्पेस डलता है क्या डलता है सिंगल लाइन स्पेस ठीक है और अगर आप क्या करते हो कंट्रोल के साथ में क्या दबाते हो दो तो इससे क्या डलता है इससे डबल लाइन स्पेस डलता है ठीक है और अगर आप दबाते हो कंट्रोल के साथ में फाइव तो इससे बेटा वन पॉइंट फाइव लाइन जो है वो थोड़ा सा डलता है वन पॉइंट डेढ़ लाइन का स्पेस एक तरीके से कह सकता हूं ठीक है अगला देखो तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं सिंगल लाइन का क्या होता है डबल लाइन का क्या होता हिंदी तो। में देख लीजिए फाइल का नाम बदल सकते हैं और फाइल बंद हो जाती है फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव कर सकते हैं और फाइल बंद हो जाती है फाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं लेकिन फाइल खुली रहती है फाइल का नाम बदल सकते हैं बताइए बेटा क्या आएगा इसमें बताइए क्या आएगा स्टेटस बार नीचे नीचे होती है बेटा ये टा, टा, नीचे, नीचे टास्क बार होती है उसके ठीक ऊपर जो एम एस वर्ड को ओपन करते हैं एमएस वर्ड की जो विंडो है उसके सबसे नीचे होती है तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है यहां पर क्या है ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा सी आएगा भाई कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है सेव का जो शॉर्टकट है ना ये होता है कंट्रोल प्लस में एस सेव करने से आपकी जो फाइल है वो सेव तो होती होती है प्लस आपका जो फाइल आपने ओपन करी हुई है जो उसका नाम है उसी नाम से सेव हो जाएगी पर वो फाइल बंद नहीं होगी कहीं आप सोचो बंद नहीं वो बंद नहीं होगी वो क्या होगी उसी नाम से सेव हो जाएगी पर ओपन रहेगी ठीक है अगला देखो क्या है अगला देखो

शिफ्ट प्लस एंटर बिल्कुल गलत जवाब है बिल्कुल गलत जवाब है सबका गलत जवाब है कंट्रोल प्लस एंटर होता है बेवकूफो कॉपी कॉपी पे मैंने कहा ठीक है तो सब देने लगे देखो कैसे करते हो तुम ऑप्शन नंबर डी आएगा डी आएगा कंट्रोल प्लस में एंटर होता है बेटा ध्यान रखिएगा पेज ब्रेक अगर डालना है ना तो पेज ब्रेक कंट्रोल के साथ में क्या दबाओगे एंटर दबाओगे हाँ ठीक है अगला देखो इन एमएस वर्ड 2019 द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए फुट नोट आर फुट नोट आर यहां पर क्या आएगा बेटा यहां पर क्या आएगा फुट नोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए क्या है फुट नोट की कंट्रोल अल्ट एफ है अल्ट शिफ्ट एफ एफ12 है अल्ट कंट्रोल डी है या अल्ट शिफ्ट एफ है बताइए क्या आएगा फुट नोट की बेटा फुट नोट की आपके शॉर्टकट क्या है नहीं नहीं फुट नोट की बेटा फुट नोट की फुट नोट में एफ आई का ध्यान दो तो। और डी आता है एंड नोट पे मैं बता दू आपको डी का होता है कंट्रोल अल्ट डी फुट नोट का होता है कंट्रोल देखिए यहां पर आपका ये तो है फुट नोट का फुट नोट का ठीक है और अगर मैं कहूं एंड नोट अगर मैं कहूं एंड नोट इसका होता है कंट्रोल प्लस अल्ट और प्लस में डी ये होता है बेटा हार्ड नोट का देखो फुट नोट जो होता है वो किसी भी पृष्ठ के अंत में डाला जाता है किसी भी पृष्ठ के अंत में डाला जाता है यानी कि आप ये कह सकते हो कि उस पृष्ठ के अंत में उस पेज के संबंधी जानकारी होगी अब दूसरे पेज में दूसरे पेज का अलग फुट नोट होगा तीसरे का अलग मतलब हर पेज का एक अलग फुट नोट हो सकता है है ना सभी पेज का एक ही फुट नोट ऐसा नहीं होता है। अगला देखो क्या है भाई पेज पेज मार्जिन मार्जिन का कौन सा पर? पेज हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं आप पहले बताइए कौन सा नहीं है फिर मैं आपको बताता हूं कि मार्जिन के प्रकार कौन कौन से हैं ठीक है डी कह रहे हैं और एक कह रहे हैं टॉप शंकर कह रहा है कि टॉप नहीं होता है ठीक है बाकी बेटा सबका डी है अच्छा ए दिनेश का भी ए है बाकी सबका डी है रणवीर का ठीक है ऑप्शन नंबर सुनो बेटा ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा जो आएगा वो डी आएगा देखो ये जो मार्जिन है ना ये चार प्रकार का होता है एक होता है टॉप एक होता है बॉटम ठीक है एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट ठीक है और इन चारों के अंदर लेफ्ट के साथ में ही वैसे चार ही होती हैं पर लेफ्ट की जगह ही एक वैसे तो देखो चारों में से कहीं भी लगा सकते हो एक गटर मार्जिन और होता है बेटा गटर मार्जिन ठीक है वाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान गटर मार्जिन कहलाता है ये गटर मार्जिन बाइट डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में होता है पर टॉप बॉटम राइट कहीं भी लगा सकते हो इसको आप सेटिंग के द्वारा पर वैसे ये लेफ्ट साइड में लगता है अगला देखिए इन एम एस एक्सएल कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट की इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए यहां पर जो कंट्रोल के साथ में जे है ये आपका किस लिए उपयोग में लिया जाता है बताइए बताइए टू सेंटर अलाइन ठीक है टू अलाइन टेक्स टू द राइट टू अलाइन टेक्स टू द बोथ द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन लेफ्ट अलाइन बताइए बहुत बढ़िया है बताइए क्या आएगा यहां पर देखिए यहां पर जो मेरा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा विद टेक्स्ट को अलाइन करना है किधर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जस्टिफाई जो होता है ना बेटा जस्टिफाई ये लेफ्ट और अच्छा देखिए एक बार बताइए पर ये कह रहा है राइट अलाइन में इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस में आर अच्छा लेफ्ट अलाइन का होता है कंट्रोल प्लस में एल और ये जो सेंटर अलाइन होता है इसका होता है कंट्रोल नहीं नहीं ये जो जस्टिफाई है इसका होता है कंट्रोल प्लस में जे इस प्रकार से इस प्रकार से होता है ठीक है तो चूंकि ये पूछ रहा है जे किसका होता है जे एक प्रकार से ना इसको ऐसे भी कहते हैं कि लेफ्ट और राइट लाइन दोनों को एक साथ लगाने के लिए किसका यूज करते हैं तो वो भी हमारा कौन सा होता है कंट्रोल प्लस में जे अगला देखिए क्या बताइए वट इज द मैक्सिम नंबर ऑफ कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट सोलह डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड दो हजार सोलह के अंदर किसी भी टेबल के अंदर मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि कॉलम के बजाय अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है टेक्स्ट को कितने कॉलम में लिख सकते हैं यह बता दो तो आप 63 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 63 बिल्कुल करेक्ट आंसर है पर अगर मैं टेक्स्ट को कॉलम में लिखना चाहूं टेक्स्ट को कॉलम में लिखना चाहूं तो यहां पर टेक्स्ट के लिए कितने कॉलम होंगे बताओ जरा कितने होंगे देखो टेक्स्ट के लिए अगर मैं कॉलम की बात करूं तो यहां पर कॉलम की संख्या होगी तेरह टेक्स्ट को मैक्सिमम तेरह कॉलम में लिख सकते हैं जबकि टेबल के अंदर जो कॉलम की संख्या वो आपकी सिक्सटी थ्री होती है अगला देखिए द स्टाइल ऑफ ड्रॉइंग मिडल ऑफ ईच वर्ड इज कॉल्ड भाई प्रत्येक शब्द के बीच में से एक क्षेत्रीज लाइन अगर आपको खेचनी हो तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे जैसे देखिए बीच में से अगर आपको ऐसे लाइन खेचनी हो ये वाली तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है इसको क्या बोलते हैं क्या इसको नॉर्मल बोलते हैं ना बिल्कुल नहीं इटैलिक इटैलिक में तो ऐसे तिरछा होता है बोल्ड में तो ऐसे डार्क होता है बोल्ड में तो डार्क होता है इस प्रकार से स्ट्राइक थ्रू होता है ऑप्शन नंबर डी स्ट्राइक थ्रू ठीक है हां स्ट्राइक थ्रू तो चलिए ये हमारी आज की क्विज थी आई होप आप सब लोग बढ़िया समय आया होगा और आज इतना ही करते हैं बेटा बाकी रेगुलर सेशन हमारा चल ही रहा है इसको रेगुलर ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से पढ़ो ठीक है और कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अब बताओ क्या समस्या है कुछ लोग बीच बीच में संगणक का एग्जाम ऑन टाइम होगा या नहीं अभी तो बेटा कल परसों तो उसकी फॉर्म भरने की डेट गई है अभी कुछ नहीं कह सकते जूनियर अकाउंटेंट की भी बहुत लोग हवा बना रहे हैं पर अभी जो एग्जाम है वो सारे टाइम पे ही होंगे लेट नहीं होंगे बेटा ध्यान रख लेना लेट नहीं होंगे क्योंकि अब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है अगर यही होता है ना बेटा जैसे देखो कुछ चीजें होती है बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं पेपर के लेट होने नहीं होने पर तो अभी जितने भी एग्जाम हैं मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जितने भी एग्जाम आप देखोगे वो सारे के सारे टाइम पे होंगे कल कल बेटा पंद्रह घंटे की क्लास है ठीक है अपन दो तीन घंटे तो कम से कम पढ़ने वाले हैं हाँ ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया समय में आ रहा है सबको, शुभकामनाएं कल स्वतंत्रता दिवस है बढ़िया सुबह टाइम से उठना और देश के इस स्वतंत्रता दिवस के महोत्सव को बहुत धूमधाम से बनाना और झंडा ध्वजारोहण बिल्कुल करना गांव में आसपास कहीं भी स्कूल हो वहां पर जरूर जाना अपना ही भागीदारी जरूर निभाना ठीक है चलिए आज हम इतना ही करते हैं सेशन को विराम देते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए धन्यवाद